अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चटखारा टिक्का। तो जिसके लिए हमने ये टिक्के के लिए इस तरह से बिल्कुल ये गोश्त लिया है। तो ये टिक्के के लिए हमने ये गोश्त बिल्कुल लिया हुआ है। एक किलो होगा ये तकरीबन। इसको हमने इस तरह से बोटियों इतना इतना इतने साइज़ में हमने इसको काट लिया है। तो सबसे पहले हैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन ये एक चम्मच ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में हमने लिया है ये एक कप, ये नहीं ये छोटा कप है, ये नहीं आधा कप आप डालें, और दही इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये हमने लिए हैं वो मसाले जो इसमें डालेंगे। ये है सुर्ख मिर्च एक चम्मच कुटी हुई, काली मिर्च एक चम्मच, हसबे जायका नमक, ये गरम मसाला आधा चम्मच, और ये खुश धनिया जो है अगर पिसा हुआ है आपके पास तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास ये कुटा हुआ था तो इस वजह से मैं यही डाल रही हूँ। और ना आप अगर पास अगर पाउडर है खुश धनिया का तो आप वो डालें, ये भी एक चम्मच है। और बीच में ये आधा चम्मच है ये खटाई मसाला जो है चाट मसाला जिसको हम कहते हैं वो है। तो ये सारे हम मसाले इसमें डाल देंगे। ये टिक्के बहुत ही ज़बरदस्त, मैं अब हर उस पर मैं ये ज़रूर बनाती हूँ और ये बहुत मज़े के ये टिक्के बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। ये हम डाल रहे हैं 2 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका जो होता है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि जो जितना भी वो सब में ये मसाला जो है अच्छी तरह से चला जाए। अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, ये देखिए मसाला जो है सब में अच्छी तरह से चला गया। अब हम इसको तकरीबन रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में। हम इसको मेरीनेशन के लिए रख देते हैं। मेरीनेट हमने कर लिया है इसको, तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद आपको हम ये दिखाते हैं। ये हमने गोश्त निकाल लिया है फ्रिज से और इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं मेरीनेट हुए, तो हमने इसको भी निकाल लिया है। अब जल्दी से हम इसको एक हांडी में डालते हैं। ये देखिए हमने एक पतीला लिया है। अब ये गोश्त जो है हम सारा इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। नीचे से हमने गैस भी जला ली है तो हम ये सारे मसालों समेत, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला था और मसाले वगैरह डाल दिए थे, तो इस समेत हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, ये क्योंकि बड़े का गोश्त है तो हमें ये टिक्के जो है ये पीसेस ये नरम होने चाहिए, तो इसलिए हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी भी। ये हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ढकना रख देंगे और इसमें हमने ये पानी खुश होने तक पकाना है। फ़िलहाल हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल ढकना नहीं खोलना, उसके बाद हम ढकना को हटा के देखेंगे और चम्मच हिलाने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हमने इसको जलने नहीं देना। फिर हम इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे और पानी हमने इसका खुश करना है। तो अभी हम इसके ऊपर ढकना रख देते हैं और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मुकम्मल तौर पे इसी पानी में पकाते हैं। ये देखिए तकरीबन 13 मिनट बाद हमने ढकना हटा दिया है। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक इसमें खुश हो गया है। हम दोबारा से इसके ऊपर ढकना रख देते हैं और मज़ीद ये पानी खुश होने देते हैं। ताकि जो मसाले हैं उनका जायका अच्छी तरह इन टिक्कों में चला जाए और ये बहुत चटपटा बने। ये देखें पानी जो है इसमें तकरीबन खुश हो गया है। बस हमने सिर्फ ये 1 मिनट, ताकि ये नीचे से नमी भी ख़त्म हो जाए, हमने सिर्फ 1 मिनट ही इसको बस पकाना है मज़ीद। फिर हमारे जो गोश्त है ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम आपको मज़ीद आगे की वो दिखाते हैं, तरीका दिखाते हैं कि हमने इसका टिक्का कैसे बनाना है। ये देखिए बस सारा पानी जो है वो मुकम्मल खुश्क हो गया है। ये देखिए नीचे से नमी भी खुश्क हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं जल्दी से। ये देखिए गोश्त जो है मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। हमने क्या करना है, साथ में हमने लिया है एक प्लेट में ये कॉर्नफ्लोर, सिंपल ये कॉर्नफ्लोर है।
और अब जल्दी से हम रख देते हैं ऑयल गर्म होने के लिए, बल्कि हमने वो रख दिया है गर्म होने के लिए। हमने मीडियम पे गैस जो है जलाया हुआ है, इन्हें मीडियम पे रखना है। क्या करना है हमने कि ये टिक्के जो है हमने कॉर्नफ्लोर में डीप करने हैं और फिर हमने इसको डीप फ्राई करने हैं। ये देखें ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ये टिक्के डालना शुरू कर देंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टिक्के डालना इस तरह से शुरू कर देते हैं कि ये हमने लिया है एक आधा टिक्का और इसको हम इस तरह से कॉर्नफ्लोर के लगा लेंगे और फिर इसको इस तरह से इजाफी जो कॉर्नफ्लोर होगा वो नीचे गिरा देंगे और फिर ऑयल में इस तरह से डालना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से करके हमने ये सारे टिक्के जो है इसमें डाल देने हैं। फ्राई होना शुरू हो गया, हम इनको इस तरह से पलटना शुरू कर देते हैं। ये देखें ये फ्राई हो गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो फ्राई होता जाएगा हमने इसको फौरन निकाल लेना है। ये देखें हमने इसको इस तरह से डीप फ्राई किया है। अब हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं कि दूसरे तरीके से आपने इसको कैसे फ्राई करना है। दूसरा तरीका ये है कि हमने ये लिया है तवा, इसके ऊपर हम डाल देंगे घी ऑयल जो भी है आप इसके ऊपर, यानी आप तवे को ग्रीस कर लें। ये इस तरीके से भी जो है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं टिक्के। ये देखिए मैंने सारे तवे को जो है ग्रीस कर लिया है। अब ये जो टिक्के हमने किए हैं ये हम इस पूरे तवे पे इस तरह से फैला लेते हैं। तो हम इसको ऐसे डाल देते हैं और फिर हम इसको इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए हमने इस पर इस तरह फैला लिया है, जब नीचे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको पलटते जाएंगे और अब हमें इसको ऐसे फ्राई करना है। ज़रूरत पड़ी तो ऊपर से चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से, सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से घी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, इसको इन्हें डीप फ्राई नहीं करना। तो अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्राई होना शुरू हो गया है, हम इसको इस तरह से पलटते जाते हैं। ये ऑलरेडी पक चुका है गोश्त जो है जितना, ठीक है ये पक चुका है मसालों में, बस अब हमने सिर्फ इसको हल्का सा भूनना है, फ्लेवर इसका थोड़ा सा हमें चेंज करना है। ये फ्राई हो चुका है, हम गैस बंद कर देते हैं। बस अब हम जल्दी से ये निकाल के प्लेट में डाल देते हैं। ये देखें हमारे टिक्के जो है बिल्कुल रेडी है। ये वाली साइड जो है ये डीप फ्राई, ये क्रिस्पी बने हैं क्योंकि ये डीप फ्राई है, और ये वाले जो है ये नरम बने हैं क्योंकि इसको हमने तवे पे फ्राई किया हुआ है। तो हमारे जो चटखारेदार टिक्का जो है वो बिल्कुल रेडी है।